क्रिकेट के इतिहास में बहुत से लेजेंड्स बने, बहुत से सुपरस्टार्स बने, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चार ऐसे सुपरस्टार्स की, ऐसे लेजेंड्स की, जिन्होंने अपनी एबिलिटी से, अपनी इन्वेंशन से क्रिकेट की हिस्ट्री और फ्यूचर दोनों को ही बदल के रख दिया। आप इस वीडियो को जब पूरा देखेंगे, आप भी अपने इन हीरोज, अपने लेजेंड्स पर प्राउड फील करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम की। वसीम अकरम 1984 में डेब्यू करते हैं और पाकिस्तान के लिए 104 टेस्ट मैचेस, 356 ओडीआईस और दुनिया के पहले बॉलर जिसने 1000 विकेट का माइलस्टोन अचीव किया। 1000 विकेट्स का रिकॉर्ड अभी तक नहीं टूटा। अब बात करते हैं इनकी एबिलिटी की। वसीम अकरम दोनों तरफ बॉल को स्विंग कर सकते थे, आउट स्विंग, इन स्विंग। इनके दौर में बहुत बड़े बड़े बैट्समैन भी थे, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, स्टीव वो, रिकी पोंटिंग, लेकिन इतने बड़े बैट्समैनों को भी ये आराम से रन्स नहीं करने देते थे। और जब बॉल थोड़ा पुराना, ओल्ड हो जाता था तो ये और भी ख़तरनाक हो जाते थे, और भी डेडली हो जाते थे। इनकी स्लो वेरिएशंस, यॉर्कर्स बैट्समैनों को हिलने तक का मौका नहीं देते थे। और जब भी पाकिस्तान को विकेट्स लेने की ज़रूरत होती थी, तभी ये पाकिस्तान को ब्रेक थ्रू दिलवाकर मैच का पांसा पलट देते थे। 1992 का वर्ल्ड कप जितवाने में वसीम अकरम का बहुत बड़ा किरदार था। डेथ ओवर्स में वसीम अकरम अनप्लेएबल बॉलर थे। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर ऑफ द वर्ल्ड। अब बात करेंगे द लेजेंड, द सुपरस्टार, द स्पीड स्टार, द वॉरियर, रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर की। पहले डालते हैं इनके करियर पर नजर। 1997 में इन्होंने अपना डेब्यू किया, 46 टेस्ट मैचेस खेले और 169 यानी 169 ODIs मैचेस खेले और 400 विकेट्स ली। अब बात करते हैं इनकी एबिलिटी की। इनकी एबिलिटी ये थी कि वो अपनी ब्लिस्टरिंग पेस की वजह से बैट्समैनों को ड्रा कर विकेट्स लेते थे। और इनकी इन्वेंशन ये थी कि दुनिया की फास्टेस्ट डिलीवरी का रिकॉर्ड इनके पास है। 100 मील पर आवर की स्पीड से गेंद करवाना कोई छोटी बात नहीं है। अगर ये छोटी बात होती तो कब का रिकॉर्ड इनका टूट चुका होता। अपनी पेस से ये बहुत बड़े बड़े बैट्समैनों को, सचिन तेंदुलकर, गंगोली, ड्रावर, लक्ष्मण सहवाग, ब्रायन लारा, गैरी क्रिस्टन, मैथ्यू हेडन, जस्टिन लैंगर, जितने भी बड़े बड़े बैट्समैन थे, ये अपनी पेस से उनको ड्रा कर आउट किया करते थे, अपने बाउंसर्स की वजह से, अपने यॉर्कर्स की वजह से। इंडिया पाकिस्तान का टेस्ट मैच आपको याद होगा, जब शोएब अख्तर ने पहली ही गेंद पर सचिन तेंदुलकर की मिडल स्टंप उड़ा दी थी। शोएब अख्तर की खासियत ये भी थी कि वो 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रेगुलर बॉलिंग करते थे। आजकल के बॉलर्स एक बॉल 150 किलोमीटर पर डालें तो अगली बॉल 134 पे चली जाएगी, 130 पे चली जाएगी, लेकिन शोएब अख्तर 150 उनकी रेगुलर पेस थी। ये एक वॉरियर भी है। इनके घुटनों के इतने ज़्यादा ऑपरेशन हो चुके थे, लेकिन फिर भी इनका जो रन अप था वो ग्राउंड से शुरू होता था। आज के बॉलर्स का रनअप 10 कदम होगा, लेकिन इनका रनअप ग्राउंड की एज से लेके विकेट तक होता था। इनके बाद जितने भी फास्ट बॉलर आए, सब के लिए ये इंस्पिरेशन बन गए। शोएब अख्तर, जिन्होंने 100 मील पर आवर की स्पीड से बॉलिंग करवाई, यानी कि 161.3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉलिंग करवाई, और जब तक क्रिकेट है इनका नाम कभी बुलाया नहीं जाए। अब बात करते हैं तीसरे लेजेंड, हमारे दिलों पे राज करने वाले, हमारे दिलों की धड़कन तेज करने वाले, पावर हिटर बूम बूम शाहिद खान अफरीदी की। पहले डालते हैं इनके करियर पर एक नज़र। शाहिद अफरीदी 16 साल की एज में एक बॉलर की हैसियत से डेब्यू करते हैं। उन्होंने अपने करियर में 27 टेस्ट मैचेस, 398 ODIs मैचेस और 500 से ज़्यादा विकेट्स हासिल की। अब बात करते हैं उनकी एबिलिटी की। उनकी काबिलियत ये थी कि किसी भी बॉलर को किसी भी वक्त किसी भी बॉल पर छक्का मार सकते थे, बाउंड्री के बाहर बॉल को फेंक सकते थे। और जो चीज़ उन्होंने इन्वेंट की वो ये थी, क्रिकेट की तेज तरीन सेंचुरी, यानी कि जिस दौर में उन्होंने तेज तरीन सेंचुरी बनाई, उस वक्त के बैट्समैन 100 बॉल्स पे 37 रन बनाते थे, यानी क्रिकेट इतनी स्लो थी और शाहिद अफरीदी ने 37 बॉलों पे तब 100 कर दिया था। तेज तरीन सेंचुरी की वजह से क्रिकेट आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हो गई। और मज़े की बात यह है दोस्तों, जिस बैट से उन्होंने तेज तरीन सेंचुरी बनाई वो उनको सचिन तेंदुलकर ने गिफ्ट किया था। शाहिद अफरीदी एक ऐसे नडर बैट्समैन थे जो किसी भी स्टेज में, जो क्रूशल स्टेज होती थी, तब भी उनका एक ही गेम प्लान होता था, गेंद को बाउंड्री से बाहर फेंकना, चाहे उनके सामने कोई भी बॉलर हो। तो शाहिद अफरीदी ने बहुत सी
क्रूशियल मैचेस पाकिस्तान को जिताए। सही मायनों में अगर शायके ने क्रिकेट को किसी ने इंटरटेन किया है तो वो बूम बूम शाहिद खान अफरीदी ने किया। अहम स्टेजेस पे पाकिस्तान को मैचेस जिताए। 2009 का वर्ल्ड कप में उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया। तो शाहिद अफरीदी जैसा लेजेंड, शाहिद अफरीदी जैसा बैट्समैन दुनिया में दोबारा पैदा नहीं हो सकता। मैच की सिचुएशन जो भी होती थी, टीम को भी, स्टेडियम में बैठे शायकीन को भी और घर पे बैठे टीवी पे देखने वालों को भी, यही उम्मीद होती थी कि शाहिद अफरीदी आएंगे और मैच जिता देंगे। और ऐसा उन्होंने कई बार किया कि पाकिस्तान को हारे हुए मैच जिता कर दिए। जितना मज़ा, जितना इन्जॉय शायकीन बूम बूम शाहिद खान अफरीदी की बैटिंग से करते थे, उतना किसी और की बैटिंग से नहीं कर सकते थे। अब बात करेंगे हम अपने फाइनल लेजेंड की, एक आर्टिस्ट की, सकलैन मुश्ताक की। पहले डालते हैं उनके करियर पर नज़र। सकलैन मुश्ताक ने अपना डेब्यू 1995 में किया। उन्होंने पाकिस्तान के लिए 49 टेस्ट मैचेस, 169 ODIs खेले और 400 से ज़ायद विकटें हासिल की। अब बात करते हैं उनकी एबिलिटी की। सकलैन मुश्ताक एक आर्टिस्ट थे। उनकी जो एबिलिटी थी वो थी वेरिएशंस, गेम चेंजर। गेम चेंजर के नाम से जाने जाते थे। मुश्ताक ने जो इन्वेंशन की वो थी दूसरा डिलीवरी, यानी कि अगर कोई ऑफ स्पिनर है तो वो ऑफ स्पिन ही बॉल को करता था और बॉल उसकी बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती थी। तो ये इतनी गेम चेंजर डिलीवरी साबित हुई, इसने स्पिन डिपार्टमेंट को बदल के रख दिया। एक नई इनोवेशन आ गई जो अपनी वेरिएशन से, दूसरा डिलीवरी से बैट्समैनों को आउट करते थे, उनको रन्स नहीं करने देते थे। तो ये बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। हाल ही में मैंने उनका एक बयान सुना और उसमें वो इंकशाफ कर रहे थे, जब लोगों को दूसरे के बारे में पता चला तो तब मैं तीसरा डिलीवरी ईजाद करने वाला था, लेकिन उनको एक इंजरी हो गई जिसकी वजह से वो इन्वेंट नहीं कर पाए। अगर वो इंजर्ड ना होते तो तीसरा डिलीवरी भी क्रिकेट को इन्वेंट करके दे देते। तो सकलैन मुश्ताक ने भी ऐसी ईजाद की कि स्पिन जो बॉलिंग थी उसमें एक नई रूह फूंक दी। सकलैन मुश्ताक ने स्पिन डिपार्टमेंट को एक नई वैरायटी दे दी। ये सकलैन मुश्ताक की खुद की ईजाद थी। तो ये थी हमारे लेजेंड सुपरस्टार हीरोज़ की इन्वेंशंस और उनकी काबिलियत, एबिलिटीज़, जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत आगे लेके गए, दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और हमें भी चाहिए कि अपने लेजेंड्स की रिस्पेक्ट करें जिन्होंने क्रिकेट के यंगस्टर्स को, यंग जनरेशन को इंस्पिरेशन दी। तो मैं तो ऐसे लेजेंड्स की बात करते हुए खुद को बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि आप भी हमारे नेशनल हीरोज़, हमारे लेजेंड्स के बारे में सुनकर प्राउड फील कर रहे होंगे। तो हमें भी चाहिए कि हमें अपने लेजेंड्स को रिस्पेक्टेबल आई के साथ देखना चाहिए, उन्हें इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान का असासा है। इन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत सर्व किया, इन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत इज्जत कमाई है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस ज़रूर कीजिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स नीचे ज़रूर टाइप कीजिएगा।